हम आज 8th लेसन शुरू करेंगे, उसका नाम है ऊर्जा शक्ति सा जागर। पहले इसका जरा जो ये नाम है उसका अर्थ देख लेते हैं, नहीं तो कैसे, मैंने बोला आपने हाँ कहा, मजा नहीं आएगा। तो देखो मैं पहले आपको कुछ उदाहरण देती हूँ, फिर हम आएंगे फिर से ये जो टॉपिक लेखक ने दिया उस पर। पहले मैं आपको बताएगी कि जैसे हमारे जो माता पिता है वो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं, जो जो हमें चाहिए वो हमें सब मिल जाता है। खास करके बच्चा जब 10th में आता है तो उसने बोला और नहीं ला कर दिया, ऐसे कभी नहीं होता। क्योंकि जैसे पेरेंट्स जो है उनको लगता है कि अरे नहीं, बेचारे का टाइम नहीं जाना चाहिए, उसको अच्छे मार्क्स लेने हैं, जितनी मदद हो सके, वो तो पढ़ा नहीं पाएंगे लेकिन जितनी मदद हो सके हम उन बच्चे की मदद करेंगे। माता पिता है उनका ये जो कर्ज है हम कभी नहीं चुका पाएंगे, मराठी में उसे ऋण कहते हैं, ये जो कर्ज है हम कभी नहीं चुका पाएंगे। ये चुका पाएंगे जब आप बड़े हो जाएंगे, वो भी कैसे, ऐसे नहीं आप बोलेंगे माँ को कि इतने सालों तक तूने मुझे गरम गरम खाना खिलाया, हर एक बात का ध्यान रखा, चलो ये एक अमाउंट है मैं तुझे देता हूँ, कभी नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि ये जो माता पिता जो हमारे लिए करते हैं वो जो कर्जा है हमारे ऊपर, ये पैसों के रूप में कभी अदा नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें बड़े होने के बाद जब उनको हमारी जरूरत है तब उनकी देखभाल करनी चाहिए और साथ साथ हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। बस और यही वो बेचारे चाहते हैं कि आप एक एक जीवन में आया हुआ एक एक टप्पा जो है, जो सफर है आपका, वो उसे आप आगे बढ़े, अच्छे संस्कार आपको मिले, आप तरक्की करें, ढेर सारा पैसा कमाए, नाम हो, ये एक मामूली सी इच्छा माता पिता की होती है। ये मैंने जो बताया वो आप सबको पता है, लेकिन मुझे अभी जो बताना है वो लेखक के बारे में बताना है। तो अभी जैसे माता पिता तो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, उसके साथ साथ लेखक का कहना है कि ये जो स्कूल में जाने के बाद ये जो टीचर्स होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो लेखक का क्या कहना है, देखो कि लेखक कहते हैं कि माता पिता से हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं, वो देखभाल करते हैं, जो चाहिए वो ला कर देते हैं, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, तो हमारे मन में जो आत्मविश्वास है उसे बढ़ाते हैं। यानी आत्मविश्वास बढ़ाने का जो काम है, मन में आत्मविश्वास निर्माण करने का जो काम है, वो शिक्षकों का होता है। क्योंकि स्कूल में हम ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताते हैं, इसी वजह से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हमें शिक्षकों से मन का जो आत्मविश्वास है वो मिलता है, यानी मन में आत्मविश्वास निर्माण होता है। वही सोच के उन्होंने अपने पाठ को भी नाम दिया है तो ऊर्जा शक्ति सा जागर। अभी हम थोड़ा आराम से देखते हैं, ऊर्जा शक्ति इसका मतलब है मन की ताकत, मन की ताकत यानी मन का आत्मविश्वास, और इंग्रज बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एनर्जी। उसके साथ साथ हम देखते हैं दूसरा वाला शब्द है जागर। जागर का अर्थ होता है जागृत होने, यानी अवेकनिंग, अवेकनिंग यानी निर्माण होना। अभी पूरा अर्थ एक बार फिर से देखते हैं, लेखक ने जो पाठ को नाम दिया है उसका नाम है कि हमें शिक्षकों की वजह से हमारे मन में जो आत्मविश्वास कहीं दबा हुआ है वो बाहर आता है, निर्माण होता है। मन में आत्मविश्वास निर्माण होना यानी ऊर्जा शक्ति का जागर। अभी हम जरा लेखक से मिलते हैं, लेखक का नाम है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। अभी ये जो लेखक है वो बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके थे। अभी उनका जो सफर है, यानी जैसे वो बचपन से लेकर साइंटिस्ट बनने का जो इनका सफर है वो मामूली नहीं था। यानी देखो हमें सब कुछ पहले से मिल जाता है, तो लेखक ने अपने जीवन में इतनी कठिनाई का सामना किया है कि उन्हें जो फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, माँ की वो स्थिति देखते थे, वो बहुत गरीब थे तो माँ कष्ट करती थी, यानी दुख कष्ट यातना ये लेखक ने जो बचपन से देखा है, यानी उनका जो बचपन से लेकर अगर हम साइंटिस्ट बनने तक का, मराठी में शास्त्रज्ञ कहते हैं, वो बनने का अगर सफर हम देखते हैं तो वो बहुत ही कठिन था। लेखक हमें कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो आज मेरे पास सब कुछ है, मैंने मुकाम हासिल किया है, जो चाहिए वो मुझे सब कुछ मिला, इतना बड़ा साइंटिस्ट मैं बन पाया, आज मेरे पास पैसा है, मान सम्मान है, सब कुछ है। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे पढ़ाई
और साथ साथ शिक्षक, ये दो शब्द सुनने के बाद मैं भूतकाल में चला जाता हूँ, मुझे सारी बातें याद आती है। अभी वो बातें कौन कौन सी वो मैं आपको बताती हूँ। लेखक कहते हैं कि हाँ, पहले इस पाठ में कौन कौन है वो जरा देखते हैं। शिक्षकों के नाम जो है उससे अगर अपने दोस्ती कर ली तो एक प्रश्न तो आपके हाथ में आ ही गया। जैसे लेखक कहते हैं कि मुझे स्कूल में भावे सर, शिरके सर, जोशी सर, ये तीन शिक्षकों के नाम आए हैं। यूनियन हाई स्कूल में ये शिक्षक लेखक को मिले। फिर लेखक कहते हैं ये तीनों के साथ साथ मेरी परम प्रिय माँ, यानी मराठी में आई कहते हैं कि अगर उसने मेरी मदद नहीं की होती तो आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहां पे मैं खड़े रहना तो दूर की बात है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उसके साथ साथ मेरे मामा, मामा यानी माँ का भाई, यानी लेखक के मामा। लेखक कहते हैं कि इन सब ने मुझे यहाँ तक का जो मेरा सफर है वो तय करने में मेरी मदद की, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने में मेरी मदद की। अभी देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं कि जब मेरा जन्म तो हुआ माशेल गांव में, माशेल ये साउथ गोवा में एक गांव है छोटा सा माशेल। अभी लेखक कहते हैं मैं हम लोग वहां पे रहते थे, लेकिन लेखक की उम्र सिर्फ 6 साल की थी तब लेखक के जो पिता है वो चल बसे। लेखक की माँ को दोहरी जो है वो जिम्मेदारी आ गई। अभी वो बिचारी कष्ट करती थी, मेहनत करती थी, लेकिन गांव में उदर निर्वाह का यानी पेट भरने का कोई साधन नहीं था। तो फिर आखिर में मामा भी गांव में रहते थे, लेकिन मामा की मदद से लेखक की माँ ने तय किया कि अभी मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे बेटे का भविष्य बनाना है उसके लिए पहले मुझे काम करना होगा, काम करना है, पैसे कमाने हैं, तो मैं कहीं जाके बेटे का भविष्य पूरा कर सकती हूँ। तो फिर वो मुंबई में आई। मुंबई में गिरगांव ये जगह का नाम है, वहां पे एक छोटे से घर में लेखक यानी छोटे से लेखक, 6 साल के लेखक और उनकी माँ दोनों रहते थे। तभी लेखक कहते हैं कि मुझे प्राइमरी स्कूल में कैसे तो भी एडमिशन मिल गया गिरगांव में ही, थोड़ा सा उनके घर के थोड़ा सा बाजू में उनको खेतवाड़ी जगह का नाम है, वहां पे उनको एडमिशन मिल गया प्राइमरी में। चलो प्राइमरी की पढ़ाई कैसे तो भी माँ कष्ट करती थी, मेहनत करती थी और लेखक लगन से पढ़ते थे, वहां तक का तो काम हो गया। लेकिन जब अभी ये सवाल मन में आ गया कि वहां ये वो स्कूल प्राइमरी यानी फर्स्ट टू फोर्थ वहां तक ही रहता है, उसके आगे क्या, अगर हाई स्कूल में जाना है तो क्या करना है। लेखक तो बेचारे सोचते थे कि बस मेरी पढ़ाई यहाँ तक ही है क्या, मैं आगे पढ़ नहीं पाऊंगा क्या, क्योंकि पैसे नहीं थे हाई स्कूल में जाने के लिए, पैसे नहीं थे। और माँ के पास भी वो बेचारी घर का काम, घर में जाके बर्तन ये वो सब ये काम करती थी घर का, कितने पैसे मिलेंगे, और स्कूल में एडमिशन लेना है तो मुंबई में पैसे चाहिए। तो लेखक को भी ऐसा लग रहा था, माँ बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। आखिर में लेखक कहते हैं कि एक ऐसी एक लेडी, माउली कहा गया है वहां पे, माउली यानी एक स्त्री, कि उसने माँ की मदद की यानी हमारी मदद की और लेखक को एडमिशन मिला। लेकिन तब तक जब तक लेखक को ये पैसा इकट्ठा लेखक कर पाए, माँ इकट्ठा कर पाए, तब तक बड़े बड़े और अच्छे अच्छे स्कूल में तो एडमिशन बंद कर दिया था। तो लेखक कहते हैं कि मुझे हाई स्कूल में एडमिशन मिल गया। अभी लेखक को एडमिशन तो मिल गया, फिर लेखक कहते हैं कि माँ के ऊपर तो और जिम्मेदारी आ गई कि अभी इसको एडमिशन तो मिल गया है लेकिन अभी पैसा कहाँ पे है आगे कुछ करने के लिए। वो बेचारी फिर से बहुत कष्ट करती थी, वो अपने बच्चे को बोलती थी तू सिर्फ पढ़ाई कर, मैं जितना भी हो मैं मदद करेगी, हम कैसे तो भी तुझे पढ़ाएंगे। माँ का विश्वास और खास करके मामा जो है उसकी मदद, इस वजह से लेखक कहते हैं कि मैं पढ़ाई तो कर रहा था लेकिन मुझे कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जगह इतनी छोटी सी थी, उसमें आना जाना वहीं पे, आजू बाजू में शोर शराबा, इस वजह से लेखक कहते हैं लेकिन मैंने सोचा था कि किसी भी हालत में मुझे हिम्मत से पढ़ना है ताकि मुझे परिस्थितियों को बदलना है। लेखक ने अभी हमें स्कूल के बारे में बताया, यानी यूनियन हाई स्कूल में, यूनियन हाई स्कूल जहाँ पे लेखक सेकेंडरी की पढ़ाई कर रहे थे। लेखक कहते हैं कि वहां पे मुझे इतने अच्छे और प्यारे शिक्षक मिले कि जैसे मैंने आपको नाम बताया था
भावे सर, शिरके सर और जोशी सर, ये तीनों जो है वो ऐसे बच्चों को जो पढ़ाते थे वो जैसे हम सेवा बच्चों की करनी है, यानी हमारा पढ़ाना ये काम है, हमारा हक है, ये सोच के वो बच्चों को पढ़ाते थे। और खास करके अपनापन था, बच्चों को पढ़ाते वक्त अगर अपनापन होगा तो बच्चा भी खुश और टीचर भी खुश। तो फिर यहाँ पे लेखक कहते हैं कि सेवाभावी वृत्ति, यानी पढ़ाते वक्त उनका जो सेवा देने का जो स्वभाव है वो मुझे यहाँ पे स्कूल में आने के बाद टीचर से मिला, नहीं तो कहाँ पे लेखक ट्यूशन जा सकते हैं, क्लास लगा सकते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो पाता था। दूसरे साथ साथ कोई विषय अगर कठिन हो लगता है तो उसमें वो मदद करते थे कि पूरी तरह से उसमें बच्चों की ऐसी मदद कर रहे तो बच्चा भी खुश हो जाता था। तो लेखक कहते हैं कि यहाँ पे आने के बाद मुझे इतने अच्छे और प्यारे प्यारे शिक्षक मिले, इसी वजह से माँ भी कष्ट करती थी, मैं भी पढ़ाई करता था और साथ साथ शिक्षकों की मदद से हमें एक एक टप्पा जो है वो पार कर लेता था। एक किस्सा हमें यहाँ पे लेखक ने माँ के बारे में बताया है कि कितनी मेहनत माँ को करनी पड़ी। अभी बच्चा जो है हाई स्कूल में है, थोड़े थोड़े पैसे तो लगते ही है, तो माँ जो है उसको एक बार पता चला कि अरे यहाँ पे जो है काम मिलता है, तो माँ घंटों देर तक लाइन में खड़ी रही। और माँ बेचारी जब लाइन में खड़े रही, उसका नंबर जब आया तो उसको बताया गया कि पूछा गया कि आप कितने पढ़े लिखे हो, तो माँ तो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो माँ को बताया गया कि यहाँ पे थर्ड तक तो पढ़ना जरूरी है, थर्ड या उससे आगे पढ़ना जरूरी है तो ही यहाँ पे काम मिल सकता है। यानी घंटों देर तक लाइन में खड़े होने के बावजूद माँ को वापस निराश होकर लौटना पड़ा। तो और तब माँ ने एक मन में निश्चय किया, उन्होंने लेखक को भी बताया कि किसी भी हालत में पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, और पढ़ना लिखना अगर इंसान को आ जाता है तो उसको अपने आप सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। तो माँ ने भी मन में निश्चय कर लिया था और लेखक ने भी। इसके बाद लेखक कहते हैं कि विज्ञान जो है वो भावे सर पढ़ाते थे, यानी साइंस, उसमें पता नहीं कैसे लेखक कहते वो एक एक ऐसे प्रयोग करके बताते थे, एक एक ऐसे काम मुझे सिखाते थे, तो मुझे पता नहीं कैसे साइंस में अपने आप एक रुचि आने लगी, इंटरेस्ट निर्माण होने लगा। और मन में कुछ भी काम करते वक्त एकाग्रता होना जरूरी है, ये लेखक को महसूस होने लगा। तो लेखक कहते हैं कि हर एक शिक्षक से मैंने एक एक बातें सीखी, और मैंने सिर्फ ज्ञान पाया ऐसी बात नहीं है, तो जीवन में पता नहीं कैसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सही रास्ता कौन सा है वो भी मुझे बचपन में ही समझ में आ गया। यानी जीवन का जो पाया है वो भी मेरा मजबूत हो गया, ज्ञान तो मिला और साथ साथ जीवन का रास्ता भी मुझे आसानी से मिल गया। और लेखक कहते हैं ये अच्छे अच्छे प्यारे शिक्षकों की वजह से मुझे अनुभव और ज्ञान इनकी पूंजी मिली, और ये जो पूंजी है वो मैंने जीवन भर संभाल के रखी, और ये इसी पूंजी की वजह से साथ साथ माँ का प्यार, कष्ट और साथ साथ मामा का जो विश्वास है वो, और इन सारे जो अनुभवों की जो पूंजी है वो मुझे आगे के जीवन में काम में आ गई, और मैंने साइंटिस्ट बनने का ये जो मेरा सपना है वो पूरा किया। इसका मतलब बचपन से लेकर साइंटिस्ट बनने का जो एक सफर है जिसमें इतनी कठिनाई लेखक आई वो उन्होंने आसानी से पार कर दी।